रचनगे ये शायद इस सैमीनार उस तरीके का जवाब तो नहीं दिता जा सकता होंगे क्योंकि बड़ी चर्चा का विषय है वड्डा। पर तीन गल्लां कई का विचार है भी इतने कारपोरेट डिवेलपमेंट कर दो, आ कोरीडोर बन रहे ने, जमीन सारी कारपोरेट दे दो, ये विकास ये पंजाब जरा विकसित हो जाएगा, लोगों को जॉब मिल जाएंगे तो शायद कैलीफोर्निया बन जाएगा। एक विचार यह है। दूजा विचार यह है कि किसान अपनी फसल आप बीजन लग जाए, कुदरती खेती करो, अपनी फसल आपे बीजो आपे बेचो, तो किसान आपे बेचन किसान प्रोड्यूस करने वास्ते है, वो मार्केट के आपका माल सुटता है, वो रोज़ बेच नहीं सकता। किसान लीडर बैठे ने उन्हें तुरंत पैसे चाहिए होंगे ने, छे महीने तो वो पैसे नहीं, सो जे वो रोज़ आप बेचे गए नहीं है। आ लेमैन वाला जो फेल होया सी वो इस करके फेल होया सी कि बैंकों का काम लोगों के घर पहले गहने रख के जो ना मुड़े किश्त फिर घर बेचन तो नहीं लगना, उन्होंने बैंक चलानी है। सो किसान ने किसानी करनी है, वो किसानी चुना सी कि ना तू नाल व्यापार भी कर, ये दूजी गल है। और इतने हुण बचन का तरीका की है, फिर असी जो पिंड बचाओ पंजाब बचाओ नूं समझदे आ वो ये है कि पिंडां दे विच अज असी मिट्टी पानी हवा ये साडा खराब हो गया, भाईचारा साडा टुट गया, नौजवान साडा नशियां ते लाया जा रहा है, जां वो वेला है ते किसान नूं उहदी प्रोड्यूस नहीं मिल रही, मजदूर नूं दिहाड़ी नहीं मिल रही, स्कूल च पढ़ाई नहीं हो रही, तो बंदे नूं इंसाफ नहीं मिल रहा, औरतों की बेपत्ती हो रही है, वितकरा हो रहा है। ये सारिया गलों के वास्ते कला कला सल्यूशन नहीं है। ऐसा बाबे ने कहा है, ऐसा दारू लोड़दा है जित वंजे रोगां कान, इहोजा दारू सानू डाक्टरी च वी पढ़ाउणा भी कहिंदा जी मैनूं बुखार है जी, खंघ भी है जी, टट्टी नहीं आउंदी जी, भुख नहीं लगती जी, सिर भी दुखदा जी, शरीर टुटदा जी, उल्टी आउंदी है जी, उहदी असीं पढ़ाउणा भी कोई ना कोई बीमारी दी जड़ हुंदी है, अलामतां ने उह जड़ लभो ते जड़ लभो फिर उहदा इलाज कर लोगे। इहदी सानूं ऐं लगदा है भी ये वड्डी जड़ इह है कि असीं पिंडां दा विकास दा जिहड़ा मॉडल है, वैसे तां दुनिया च विकास दा मॉडल कारपोरेट मॉडल असीं प्रवानित कर लिया, उहदे विच असीं स्रोतां दी इक तां जिहड़ी है उह कुछ हत्थां च दे रहा, दूजा उहदे विच्चों खपतवार पैदा करता, वरतो ते सुट्टो, सुट्टी जाओ, उहदे नाल कुदरत दा घाण कर रहा जिहदे नाल सारा कुछ बदलाव होया। उहनां सारिआं वास्ते फिर असीं लोकां दी इक लोड पैदा कर रहे हां कि वह बिना मतलब के समान खरीदन ते वरत वरत के सुट्टी जाण, जे वो नहीं करते फिर असीं पुरजा बनाउणा बंद कर दिंदे आ, जे इह भी नहीं हुंदा फिर असीं कहिंदा 10 साल बाद कर रद्द कानून बनवा दिंदे आ। सो असीं इस पासे तां दवाइयां वी नहीं करदे, बीमारियां वी नहीं बनाउंदे आ। सो ये एक तरीका जिहा इहदे विकल्प च एक तरीका है, कहिंदे जरूर ने थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, पर असीं लोकली एक्ट करते नहीं। पिंड बचाओ पंजाब बचाओ ये समझदी है कि जे पंजाब के पिंड नहीं बच रहे तो पंजाब नहीं बचना, जे पंजाब नहीं बचता तो मुल्क नहीं बचना, पूरा इतिहास दसदा है। आज़ादी की लड़ाई भी यही दसदी है, गदरी बाबे का बबर कालिया यही दसदा है। पिंडां नूं बचाउण वास्ते जरूरी है कि पिंडां दा सर्वपक्षी विकास होवे, पिंड सैल्फ सफिशेंट इकनोमिक इकाई बनने की कोशिश करन, 10 पिंडां का एक जोन हो जिते थोड़ा कना उन्हों का हो जाए, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चले। पर उदू पहला की होएगा, पहला यह है कि तुम पर्यावरण ठीक करना, तुम धरती हेठला पानी संभालना, तो तुम लोगों को रुजगार देना, तुम लोगों की सेहत के जी खून की कमी है, 70% जो मुटियार ने 15-19 खून की कमी है, 30% गभरू च 15-19 खून की कमी है। ये गलों का जोड़ा तुम हल क्ढना है, लोगों रुजगार मिले तो लोगों पंचायतों आमदन होवे, उहदे वास्ते असीं इह समझदे आ भी ग्राम सभा ज़्यादा एक्टिव हुंदी है, सरगर्म हुंदी है, तो एक तो वह बहुते ज़्यादा फैसले उत्थे कर लैंदे ने, जो सरगर्म हो जाएगी छोटे छोटे झगड़ों वास्ते रोज़ अदालतों च नहीं जाना पैना, ना डीसी ADC दे जाना पैना, ना BDO को जाना पैना, आपे वो मसले हल करेंगे। दूजी गल क्योंकि ग्राम सभा जो एक्टिव ने तो उन्होंने हकों वास्ते अफसर भी थोड़े डरनगे, जिवें किसान अंदोलन की गल करके गए ने, अज डरदे ने भी यार किसान आ गए इकट्ठे होके, ये कोई किसी तरीके ना बने ना। उहदे विच ग्राम सभा जो हुंदी है तो उहदे विच एक वड्डा साडे कोल हथियार है मनरेगा, वो साडा हक है। महात्मा गांधी
रूरल एम्पलायमेंट गरंटी स्कीम है, वो गरंटी है, वो केंद्र तो पैसा आना वो राही। जब असी पिंड रुजगार सिर्जेगा, 32 लाख परिवार है पिंड जिंद मनरेगा कार्ड बन सकता है। अज 20 लाख का बनया हो, 11 लाख का एक्टिव है, तो जोड़ा रुजगार 100 दिन का मिले हूँ तक वो तो कुछ सैकड़े परिवारों नहीं मिले जी, अद्धा साल लंघ गया। सो एक गल है कि वो पैसा भी आएगा, तक 12-13 हज़ार करोड़ रुपया पिंड आएगा, वो 2-3 हज़ार करोड़ रुपया टैक्स, क्योंकि उन्हें सारा खर्चा ही करना है, वो टैक्स खजाने जाएगा कि वो विकास होएगा। पिंड जो मनरेगा देने वो खेती का विकास करेगा, 5 एकड़ तक दिहाड़ी कर सकता है, तो जो जो वो शर्त ने वो अधीन उन्होंने अपने काम करने दिहाड़ी के पैसे भी मिलते हैं। रुख लगाओगे सांझी थां से, सत्थ च, झिड़ी च, स्कूल च, आंगनवाड़ी सेंटर च, सांझी थां दे उत्ते, धर्मशाला च, कितने भी तुसी रुख लगा दोगे, वो जब तुसी मान लो 400 रुख लगाता, 200 तुसी फलां वाला लगाता, 200 दूजा लगाता, ना तो थोड़ी छां होगी, मीह आएगा वो पानी जड़ां ही धरती च जाएगा, सोखता होएगा पानी, हुण तां सीधा हड़ां दा उत्तों भी तां ही रुड़ के आया, क्योंकि सोखता हुण हट गया, ते नाल उहदे विच तुहानूं कुछ फल जिहड़े ने उह हो गए, वो जिहड़े फल ने जिहड़े तां थब्बे गिर गए, वो तो गरीब गुरुआ चुके खा लेगा, क्योंकि उहदे कोल तां पैसे नहीं बेचारे कोल, पर उहनूं फिर भी फल मिल गया। जिहड़ा आम सधारण बंदा जिहदे कोल पैसे थोड़े ने, बाजार चों जा के नहीं खरीद सकदा, वो पिंड चों खरीद सकदा, ते उत्थे उहदी पंचायत दी, क्योंकि रुख पंचायत दे ने, वो पिंड दे ने, पिंड लोगों की पिंड की आपकी आमदन भी बढ़ गई है, तो साफ सफाई भी हो गई है। इस तरह ही जिन्हें रस्ते बनाने ने, जिन्हें पुड़ियां बनाया ने, जिन्हें स्कूलों च बाथरूम बनाने ने, जिन्हें आंगनबाड़ी सेंटर की कोई चारदीवारी बनानी है ठीक करना है, जिन्हें शमशान घाट को ठीक करना है, जिन्हें टोभे ठीक करने ने, वो JCB मशीन लाने की बजाय उत्थे दिहाड़ी के उत्ते ठेके से काम कराने की बजाय वो जिहड़ा काम है वो लोग खुद करनगे, आपदे पिंड का विकास करनगे। उहदे विच इक तां पिंड दा स्थानक तौर दे उत्ते ओह आमदन होगी, दूजे स्थानक तौर ते स्रोत वरते गए, और जिहड़ा समान खिंचेगा उहदे सरकार नूं टैक्स भी मिलेगा, और समान विकेगा तां इंडस्ट्री भी डिवेलप होगी। सो इस तरीके नाल असीं समझदा जदों इकट्ठे हो के मनरेगा दे विच काम करदे ने, पंजाब विच 32 लाख कार्डां दे पिछे 1 लाख बंदे नूं वाइट कॉलर जॉब मिलना, 1 लाख नूं तुसीं रुजगार देता, इह कहिंदे असीं 5 हज़ार देता, 2 हज़ार देता, कल्ले मनरेगा च वाइट कॉलर जॉब। सो ये इस हिसाब से असं समझा भी एक उन्होंने एक भी होएगा, वह पंचायत ग्राम सभा भी तकड़ा करे, वह पंचायत में भी तकड़ा करे, वह तो वातावरण में भी सुधारे, वो जोड़ा असं कहने दलित खेत अपना किसान का एका नहीं हो रहा वो एका भी होगा, क्योंकि किसान छोटा भी अच्छ हालत वो भी माड़ी है, देखने नहीं लगता वो अपने आप से भी मैं तो वही जाति दा, बाकी जाति जाति का घमंड हो सकता, बाकी वो पैसे वो को भी खड़कता ढोली है। सो ये असी समझते हाँ कि सारिया गलों का इदा ही वो नशे भी रोकणगे, क्योंकि पिंड जी पता भी आ बंदे नशे बेचते हैं आ करते हैं, जोड़े करते हैं उन्होंने रीहैबिलिटेट करेंगे नशा चढ़ा के, जोड़े बेचते हैं हाथ जोड़ के जाके कहे भरा तू काम ना कर माड़ा, तो जब 10 बारी नहीं मनेगा फिर पुलिस में शिकायत करेंगे, फिर पुलिस की जरूरत नहीं पाएगी कि वह कहते हैं भी फलाने बंद ने शिकायत करी, शिकायत लोग करे। सो इस करके मैं ये लगता है भी इन्ह सारिया चीज़ों का जोड़ा मसला है, जब असं पिंड बचाओ पंजाब बचाओ जो पिंड की इकाई में तकड़ा कर जाएंगे तो यह विकास का एक रस्ता है, पिंड बचाने का रस्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।